140 करोड़ का देश, सवाल अनेक, सवाल बांटने और तोड़ने का या सवाल ध्यान भटकाने का, बरगलाने का सवाल। आप जाने माने वकील भी हैं, जो धाराएं हैं, अब इन धाराओं के अलावा आपने 75 धारा 75 का जुवेनाइल एक्ट का तो जिक्र किया, तत्काल कार्रवाई आपके हिसाब से क्या करनी चाहिए थी? सर मैं आपको बता रहा हूं कि एक वीडियो निकला था, एक टीचर ने कह दिया कि पढ़े लिखे राजनेताओं को वोट दो तो उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहां पर एक टीचर है जो कह रही है कि मोहम्मदन बच्चों को मारो, अभी तक सस्पेंड नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर का एक लेक्चरर है जिसने आर्टिकल 370 को क्वेश्चन किया, उसको नौकरी से आप निकाल देते हैं। आप देख रहे हैं कि सरकार की बीजेपी की पॉलिसी क्या है कि आप उनको क्वेश्चन ना करें। नरेंद्र मोदी ये तो अपना प्राइवेट स्कूल चला रही थी, अब मान्यता है भी या नहीं, 2019 तक मान्यता थी, उसके बाद का हमें मालूम नहीं, ये तो अपने घर में ही स्कूल चला रही थी। सवाल उसका नहीं है। मैं देखिए, अगर मैं अपनी औलाद को अगर कोई स्कूल के भिजा रहा हूं या किसी टीचर के पास भिजा रहा हूं तो क्या समझ के भिजा रहा हूं मैं? सही कह रहे हैं जी, पढ़ाई खराब हो। हम एक भरोसा करके टीचर के पास भी जाते कि उसको अच्छा पढ़ाएंगे, उसको इंसान बनाएंगे, उसको अखलाक सिखाएंगे, उसका कैरेक्टर मोल्ड होगा। आप टीचर हैं, मैं आपके भरोसे पर बच्चे को भिजा रहा हूं और उस बच्चे की आप बेइज्जती कर रहे हैं। और उसका वालिद से जब सुबह में मैं बात किया तो कह रहे गोसी साहब, गांव में कहा गया कि हिंदू मुस्लिम मत बनाओ वरना माहौल बनेगा। अरे भाई, जस्टिस की लड़ाई लड़ने के लिए कहां हिंदू मुस्लिम आ जा रहा है? इंसाफ की लड़ाई में माहौल हो जाता है क्या, बताइए आप? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बीजेपी ने 9 साल में अगर किसी चीज में कामयाबी हासिल की तो इस चीज में कामयाबी हासिल की, और यह पूरा सहरा और क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो हिंदू मुसलमान तो यह हो गया है कि नहीं? जब जब टीचर खुद ही उन मासूम बच्चों को बता रहे कि ये जो लड़का खड़ा हुआ है ये मोहम्मदन है और तुम आके इसको मारो, जो मोहम्मदन है उसको आके मारो, तो क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं आप? वो बच्चा, मुझे तो नहीं लगता कि वो बच्चा इतनी जल्दी, वो जो साइकोलॉजिकल स्कार उस पर रहेंगे, और आज के इस मॉडर्न डे में ऑप्टिक्स के जमाने में तो वीडियो वायरल हो चुका है। मैं तो उनके फादर से कहा कि आप आ जाइए हैदराबाद को, हम आपको आपके बच्चे को पढ़ाएंगे। वो कह उसने कहा कि मेरी जमीन है, मैं ज़राअत करता हूं। तो भाई कानून को तो इस्तेमाल करो, सस्पेंड तो करो कम से कम, दुनिया को दिखाने के लिए तो सस्पेंड करो, उसमें 295 लगाओ, 153A लगाओ। और शर्म की बात है, इस तरीके की राजनीति हो रही है। छोटे बच्चों को ये कहा जा रहा है, मारा जा रहा है एक मुस्लिम बच्चे को, ये बहुत शर्म की बात है और ये बहुत शर्मसार है। सरकार को डूब मरना चाहिए। नफरत फैलाई जा रही है धर्म को लेकर, ये उसी का परिणाम है कि एक 9 साल के बच्चे को धार्मिक आधार पर भेदभाव, मार पिटाई सब झेलनी पड़ती है। ये कोई पहली घटना नहीं है, इस तरीके की घटना हम जातिवादी तौर पर भी देखते हैं, महिलाओं के साथ भी देखते हैं, और इसलिए हमारी डिमांड है कि जो भी आरोपी है गिरफ्तारी की जाए। पर इसमें सबसे दुखद पहलू ये, हमारे बच्चों के मन में जहर घोला जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी, अब वो चाहे जिस लड़के को पीटा गया या जो थप्पड़ मार रहे थे, मैं तो उनकी मन में, मस्तिष्क में, उनकी जहनियत में क्या बोया जा रहा है ये सोचकर ही कांप रहा हूं, सिहर रहा हूं। क्या सर, सर सिर्फ हम लोग खून के आंसू रो सकते, बस खून के आंसू रो सकते। बीजेपी चुनाव जीत जाए या ना जीते, मगर आप देश को तो खो रहे हैं, आप उन मासूम बच्चों के जहनों को खो रहे हैं, आप उन मासूम बच्चों में जो उस उम्र में 7-8 साल में अच्छी मेमोरीज होनी चाहिए, आप उन मेमोरीज की जगह पे आप उनको एक भयानक ख्वाब, एक भयानक निशानियां छोड़ रहे हैं उनके ऊपर। इस तरह देश चलाएंगे? इस तरह हम 24 का चुनाव लड़ेंगे? इस तरह यूपी का राज करेंगे आप? इस तरह योगी आदित्यनाथ ख्वाब देख रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी के बाद वजीर आजम बनूंगा? आप बच्चों को बर्बाद करके उनके बचपने को नहीं, नहीं। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे
मुठिया पेलने जाना है। बाय मोहित।